हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय दीपेंद्र प्रताप सिंह में। और आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि जो सीपीओ का कल 9 तारीख को जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ तो उसमें जो मैथ्स के सवाल आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो मुझे कुल मिलाकर के 32, 33, 34 क्वेश्चन मिले हैं, है ना। और जितने भी स्टूडेंट ने मुझे बताए हैं ये वो क्वेश्चन हैं। हो सकता है एक्चुअल ना हो, है ना, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी यही सवाल आपको आने, जिनका पेपर कल है वो भी एक बार वीडियो देख करके जाए ताकि उन्हें पता चले कि मैथ्स कैसा रहा। मैं अगर देख करके बताऊं तो मैथ्स बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बस थोड़े से अपने बेसिक्स अच्छे रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं एलजेब्रा के सवाल ले रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है, देखो यहाँ पे कि एक्स टू द पावर 4, सबसे पहला सवाल मैं फटाफट सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है, इसको आप देखते जाना। कि सबसे पहला सवाल है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 21 दे रखा है, और एक और कंडीशन दे रखी है मुझे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। तो हमसे पूछा गया कि 4xy क्या होगा। ठीक है, ये पहला सवाल है आज की क्लास का जो एलजेब्रा से था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसका यूज करना है तो इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये तभी देखेगा जब मैं इसका स्क्वायर करूं। तो अगर हम स्क्वायर कर दें इसका, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये कौन सा स्क्वायर बन गया मेरा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, मैंने क्या किया दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर। ठीक है, हमें 4xy की जरूरत है। ठीक, अब देखो ये इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होता है मेरा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस बी सी एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी ए, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, अब आप देखो कि इसकी जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 21, तो ये जो है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसकी जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 21, 21 उधर जाकर घट जाएगा तो 49 में से 21 जाएगा 28 बचेगा, 28 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास। और एक काम और कर सकते हैं, इतना हमने कर लिया, देखो मैंने क्या किया, इसकी जगह 21 रखा, 49 में से 21 घटाया, ठीक है, क्योंकि 21 अगर जाकर के घट जाएगा तो मेरा 49 में से 21 घटाऊंगा 28 बचेगा। ठीक है, 28 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा 14 बचा। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब इन तीनों में से देखो, अगर हम एक्स वाई कॉमन ले लें, एक्स वाई अगर हम कॉमन ले लें तो मेरा अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर, एक्स वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है अपने पास 14 है। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो इसकी जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 7, ठीक है, इसकी जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 7, तो आ जाएगा 7xy इज इक्वल टू 14, 7 से 2 बार कट जाएगा तो xy अगर अपने पास 2 आ गया, लेकिन हमसे पूछा था 4xy, तो मैं क्या करूंगा 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर मेरा कितना आ गया इस सवाल का 8 आ गया। ठीक है, तो पहला सवाल एलजेब्रा का था, अच्छा सवाल था। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो गया मेरा 8। एक बार आप लोग भी इसको मिला लेना कि एग्जैक्ट यही सवाल था या फिर दूसरा कोई सवाल था। ठीक है, मुझे जो भी स्टूडेंट ने बताए हैं, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं कहीं से, तो जो भी बच्चों ने बताए हैं, जो भी मेमोरी बेस्ड है, ये वो सवाल है। ठीक है, आइए हम फटाफट दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी अलजेब्रा से है, मतलब मैं पहले अलजेब्रा के सवाल ले रहा हूं फिर इसके बाद देखते जाएंगे, पहले एडवांस करा रहा हूं क्योंकि अरिथमेटिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है जो कि बच्चों ने मुझे जिस तरीके से बताया। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था, सेकेंड क्वेश्चन ये था कि एक्स प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा था 1/8। तो हमसे पूछा गया था कि बताओ x अपॉन वाई कितना होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। तो ये a हो गया, ये मेरा b हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है मेरा, इज इक्वल टू है मेरा 1/8। ठीक है,
अब ये देख लेना कि इसमें एक्स अपॉन वाई पूछा था कि ये क्या पूछा था, ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी अगर आपको याद हो तो एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, तो आ गया टू एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा, टू अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना, आठ, ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई यहां से कितना आ गया मेरा, एक बटे आठ, सॉरी एक बटे आठ यहां पे, तो ये कितना आ गया मेरा, एक बटे में 32, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया मेरा, 1/32, ठीक है। सेकंड सवाल ये था अपना, ठीक। तीसरा सवाल देखते हैं फटाफट से। तीसरा सवाल क्या था, देखो एक एक क्वेश्चन दे रखी है और चार वेरिएबल पूछे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी अलजेब्रा से है, ठीक है। तीसरा है 2x plus 3y plus 4, एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है 2x plus 3y minus 5 is equal to ax square plus by square plus cxy और प्लस डी, और हमसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी क्या होगा। अब इक्वेशन एक है और वेरिएबल चार है, तो हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा। लेकिन कंपेयर हम तभी करा पाएंगे जब इधर भी अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इधर भी हो, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इधर भी हो, एक्स वाई का कोफिशियंट हो और कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 = 4x² हो जाएगा, ठीक है, 2 × 3 = 6xy हो जाएगा। एक बार फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -10x, इसकी हमें जरूरत नहीं थी, है ना, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट चाहिए था, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब वाई का मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से, तो हो जाएगा 6xy plus 3 × 3 = 9y² plus माइनस का 15y, ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर चार का मल्टीप्लाई करो, 8xy plus 12y और माइनस का कितना हो जाएगा, 20, ठीक। इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस डी। तो एक्स स्क्वायर ये है अपने पास, वाई स्क्वायर ये है अपने पास, और 6xy कितना हो गया मेरा, 12xy, और कांस्टेंट कितना है मेरा, डी, ठीक है। तो कंपेयर करा देंगे, हो सकता है और कुछ सवाल हो, ठीक है, जो कि बच्चे ने बताया था वो इतना ही बताया था, तो आप देख लेना एक बार ये सवाल था कि नहीं था। अब कंपेयर अगर करा दें इसकी, तो ए मिल जाएगा मुझे 4, ठीक है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बराबर 4x² है। बी मिल जाएगा मुझे कितना, बी वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 9y², तो बी मिल गया मुझे 9, और ये 12xy है तो सी मिल गया मुझे 12, और डी कितना है अपने पास, -20, ठीक है। तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी की, ठीक है। तीसरा सवाल भी एलजेब्रा से लिया है मैंने, ठीक है, सही सवाल आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए बेसिक बारे में, ठीक है। चौथा सवाल देखो फटाफट से, चौथा सवाल क्या था, चौथा था, अच्छा सवाल है ये भी, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। तो अगर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो अगर हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाए तो बात बन जाएगी ना, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाता है तो हम निकाल लेते हैं x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये होता है ना। तो अगर हम इसको x से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, या x कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस रूट 7 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया मेरा, रूट 7, मन गई बात, इतना छोटा सवाल था। तो रूट 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 7√7 माइनस 3√7, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4√7, ये सवाल क्या हो गया आंसर, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत है से बताओ, ये सबको आता होगा ना, बेसिक प्रॉपर्टी है, हर एक टीचर पढ़ाता है इसको, जिससे भी आप पढ़े होगे, है ना। फिर इसका देखो नंबर पांच भी मैंने एलजेब्रा से लिया है, ये भी कुछ तरीके का ही है, बहुत बढ़िया पेपर आया, इसलिए कम से कम 150 नंबर तो आने चाहिए, है ना, तभी जाकर के बात बनेगी, दिल्ली पुलिस तभी मिलेगा। 2x plus 1 upon 3x is equal to 4, then find 27x³ plus 1 upon 8x³, ठीक है, ये बनाने वाला सवाल है, क्योंकि 2 का क्यूब यहां पर लिखा है और 3 का क्यूब यहां लिखा है, तो पहले मुझे इस सवाल को इस तरीके का बनाना पड़ेगा। ये 27 यहां तभी आएगा, 27 यहां तभी आएगा जब यहां पे 3 हो, और 8 यहां पे तभी आएगा जब यहां पे कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 3 लाना है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 हटाना, 2 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब मेरा सवाल क्या हो गया, 2 2 जा 4, ये बन गया 3x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू कितना 6, बन गया ना। अब अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो मिल जाएगा मुझे, है ना, ये आ जाएगा 9, ये क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, है ना। तो 3ab, ab मतलब कितना हो गया 3x into 1 upon 2x into a plus b, a plus b कितना है मेरे पास 6, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब किया तो हो जाएगा 216। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये जो मटेरियल है इसको उधर फेंक दो तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 से, ये 3 बार कट गया, ये नहीं कटेगा सॉरी, है ना, ये तो रहेगी, और कुछ कटा नहीं, 3 3 3 27, है ना। तो 27x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 216, माइनस यहां पे क्या बचा 3 3 9 3 27, 27 हटा देंगे इसमें से, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। आ रही बात समझ में, ठीक है, ये छोटा सवाल था। इसके बाद है देखो, इसके बाद लेते हैं हम ज्योमेट्री का सवाल, ठीक है। इसके बाद ये अलजेब्रा के 3-4 सवाल थे, हर एक शिफ्ट में एक एक सवाल आया, बहुत सरल सवाल आया, आपको पता है आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 है, ये इसका सवाल है ज्योमेट्री का, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए 90 है, तो ए 90 हो गया मेरा, ठीक। मैं सवाल पढ़ लिख नहीं रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल इसमें ए 90 डिग्री है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, कर्णी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक। एंड ए मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम ए, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन इन सेंटीमीटर। ए से एक मीडियन ड्रॉ करी गई है तो उस मीडियन की लंबाई हमें बतानी है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वही क्या होती है, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा। तो अगर ये 25 है तो कितना आ जाएगा 12.5, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या था, ये सवाल नंबर 8 है, 8 या कितना हो गया 4 है ना, ये 5 हो गया, सवाल नंबर 5, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 6 क्या था, 6 था कि एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, देखो फटाफट कितने जल्दी कर सकते थे इन सवालों को, है ना, बहुत सिंपल सा पेपर आया था। एक ट्राइंगल एबीसी, आई इन सेंटर है, बस आपको पता होना चाहिए आई इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, है ना। बी आई सी दे रखा है मुझे 108, याद आ गया होगा, अगर ये ए है तो ये कितना होगा 90 प्लस ए का आधा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 108, ये 108 डिग्री है। देन फाइंड एंगल ए, तो ए बताना है, तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा बी आई सी बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, होता ही होता है। तो ये कितना है मेरा 108 है, 108 इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बाई 2, तो 108 में से 90 जाएगा कितना, 18 दूनी 36, ठीक है। तो एंगल कितना आ गया मेरा 36, ये सवाल का हो गया आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सवाल है छोटा सा, कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो पेरीमीटर क्या है, ठीक। नंबर 7 है, किसी वर्ग का विकर्ण जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, रूट टू इंटू साइड, है ना, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल है रूट, डायगोनल क्या होता है रूट टू इंटू साइड, वो है 16√2, तो पेरीमीटर क्या है। तो अगर डायगोनल रूट टू है, डायगोनल है अपना 16√2, तो साइड कितनी हो गई सर, साइड हो गई 16, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4a, है ना, 4 इंटू साइड, तो हो जाएगा 4 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना मेरा 64, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम किस पे, देखो मेंसुरेशन पे, ठीक है, कितने जल्दी सवाल कर सकते थे, आ रहे समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ये सारी प्रॉपर्टी है आपको पता होनी चाहिए थी, तो आप इन सवालों को फटाफट से सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, मेंसुरेशन पे, ठीक है, आओ मेंसुरेशन पे देखें कैसे सवाल आए, थोड़े सवाल सही आए मेंसुरेशन पे, है ना, मतलब आप देख करके आंसर नहीं लगा पाते, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता। सबसे पहला सवाल है मेंसुरेशन का, कि एक सिलेंडर के, एक सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन के टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है बेलन का 2πr h + r, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, इनका रेशियो दे रखा है मुझे 3:1, ठीक है, 3:1।
अगर टोटल सरफेस एरिया फिर दे रखा है टी एस ए बराबर कितना है मेरा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूछ रहा है कि बताओ वॉल्यूम क्या है। एक सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है मुझे, उसका कर्व टोटल सरफेस एरिया दे रखा है मुझे 1848, देन फाइंड द वॉल्यूम, तो हमसे उसका आयतन पूछा गया। ठीक है, तो इसको फटाफट देखो शॉर्ट कर लेते, 2π r कट गया, तो r प्लस एच अपॉन एच बराबर कितना 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो r प्लस एच बराबर 3h, तो r बराबर किसके बराबर हो गया 2h के बराबर हो गया, r किसके बराबर हो गया 2h के बराबर हो गया। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता क्या है 2π r h प्लस r बराबर कितना 1848, तो फटाफट से रखते हैं 2π, π की वैल्यू 22/7, r की जगह रख देते हैं 2h और h है r की जगह 2h रखेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 1848। ठीक है, अब इसको फटाफट काटते हैं तो ये 22 से कट जाएगा 84 टाइम्स है ना, 84 हाँ 84 बार कट जाएगा, फिर ये 2 से और 2 तो 4, 4 से कितना कट जाएगा 4 दुनिया 4 एकम 4 21, ये कट जाएगा 7 बार, तो हाइट h स्क्वायर बराबर 49, तो h बराबर कितना आ गया 7, हाइट मिल गई सिलेंडर की 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अब आपके पास हाइट है आपके पास रेडियस है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतने आप सब समझदार हो, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कि कुछ छोटी छोटी मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिन बच्चों ने हिंदी में भेजा उनसे हिंदी में मिल गया, जिनने इंग्लिश में भेजा उनसे इंग्लिश में मिल गया। ठीक है, अगला सवाल है कुछ छोटी छोटी डिस्क जिनकी मोटाई 1/3 सेंटीमीटर है, इन डिस्कों की संख्या 60 है, यदि इनका व्यास 21 सेंटीमीटर हो तथा इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन ज्ञात करो। एक डिस्क है जिनकी मोटाई है 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऐसे करके हमने 60 डिस्क रखी है ना, इस तरीके से 60 डिस्क रख दी है ना, तो जो मोटाई होगी वो एड हो के क्या बन जाएगी सिलेंडर की हाइट बन जाएगी है ना। इस तरीके से एक डिस्क है जिसकी ये वाली मोटाई कितनी है 1/3 सेंटीमीटर, और ऐसी हमने बहुत सारी डिस्क 60 डिस्क रखी है, तो जो मोटाई होगी वो क्या हो जाएगी मेरी हाइट हो जाएगी है ना। अगर एक डिस्क की मोटाई 1/3 है तो 3 डिस्क मिलकर के 1 सेंटीमीटर बना रही होंगी, तो 60 डिस्क मिलकर कितनी बना रही होंगी 20 सेंटीमीटर है ना, तो जो हाइट होगी वो मेरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सिलेंडर की हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर, आपके पास व्यास है, व्यास अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, बचा ही क्या सवाल में, अब आपसे आयतन पूछ रहा है, आपके पास हाइट भी है आपके पास रेडियस भी है ना, तो आप निकाल लोगे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से, बस यही करना था इसमें, यही समझने वाला था कि एक डिस्क की मोटाई 1/3 सेंटीमीटर है तो 3 डिस्क मिलकर के कितना सेंटीमीटर बना रही होगी 1 सेंटीमीटर, तो 60 डिस्क है ना, तो कितने सेंटीमीटर बन रहा होगा 20 सेंटीमीटर, मतलब जो मोटाई है वो जुड़ती जाएगी है ना इस तरीके से, जैसे ये मोटाई है ये 1/3 सेंटीमीटर है, ऐसा मैं एक और रख दूं है ना इस तरीके से रखते जाऊं, तो ये जो मोटाई जुड़ती जाएगी हर एक की वो क्या हो जाएगी अपनी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी मेंस्ट्रुएशन का थोड़ा अच्छा सवाल था, तो ये एलजेब्रा ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे भी मैंने देखो हमेशा बताया है कि क्वाड्रेंट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, वहीं से सवाल देखो आपको मिला है ना, सबसे पहला सवाल जो है ट्रिग्नोमेट्री में, और एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक साथ पढ़नी चाहिए, मैंने आपको कई बार बोला है, जैसे ये सवाल आ गया अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कि सेक की पावर 107 थीटा प्लस कॉस की पावर 107 थीटा इज इक्वल टू 2, तो हमसे पूछा गया कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा, तो आपको पता होगा कि अगर x प्लस 1 अपॉन x 2 होता है तो x की कितनी पावर कर लो है ना, x की पावर 107 पूछो प्लस 1 अपॉन x की पावर 107 पूछो, तो इसका आंसर भी कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये भी सेम वही कंडीशन है क्योंकि cos बराबर क्या होता है 1 अपॉन sec। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपने पास 2 आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी है कि अगर कभी भी x प्लस 1 अपॉन x 2 मिलता है तो x की कितनी पावर कर लो आंसर कितना आता है 2 आता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा साथ में पढ़ना चाहिए, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको एडवांस पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक भी सवाल नहीं मिला, ये अपना किसका ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल था। ठीक, दूसरा सवाल देखो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सवाल क्या है, ये क्वाड्रेंट्स पे है कि साइन
4 थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू है कॉस थीटा प्लस 16, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ थीटा क्या, आपको पता होगा कि अगर साइन कॉस के बराबर है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, मेरा 90 होना चाहिए। 4 थीटा प्लस 50 प्लस थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 90। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो भी सवाल था आपका, ठीक है, इसके बाद जो सवाल है देखो, छोटे छोटे सवाल है, आप आराम से कर सकते थे इनको सॉल्व। फिर कह रहा है कि इफ 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, देन फाइंड टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, ये आपको बताना है, ठीक है। अपने पास ऑप्शन नहीं है इसके, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं फटाफट से। देखो इसका अगर हम एलसीएम ले लें, है ना, एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस वन। सॉल्व भी कर देता हूँ, एलसीएम भी लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी है अपने पास, इसीलिए कोसेक थीटा माइनस वन प्लस कोसेक थीटा प्लस वन डिवाइड बाय एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और अगर आपको याद हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, ठीक है। ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कट गया, ये 2 सेक थीटा, ये 2 कोसेक थीटा और 2 सेक थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास कोसेक थीटा। अब यहां आ जाएगा कोसेक थीटा और ये वाला सेक थीटा याद आ रहा हूं इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक और सेक होता है कॉट थीटा, तो यहां भी कॉट थीटा बन गया मेरा, है ना, यहां पर भी कॉट थीटा बन गया इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45। अब आपको थीटा 45 मिल गया, तो टेन 45 कितना होता है 1, कोसेक 45 कितना होता है रूट 2, सेक 45 भी कितना होता है रूट 2, ये सवाल क्या हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मैंने एक जल्दी करने के लिए एक स्टेप खा लिया। देखो एलसीएम लेना तो बनेगा एक ब्रैकेट में एक प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये 2 कोसेक थीटा बना था इसलिए 2 से 2 काट दिया, तो यहां बचा कोसेक थीटा, ये सेक को यहां लाया कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक और सेक कॉट बना देगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया मेरा 1, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45, ठीक है। फिर इसके बाद था हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, देखते हैं फटाफट से। हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत सरल सवाल था, हाइट एंड डिस्टेंस का भी कह रहा था कि इस तरीके से था, मैं आपको पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ डायग्राम बना करके बता रहा हूं कि ये एंगल था 30, ये था 60, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 100 है। तो आपसे पूछा था कि बताओ ए बी कितना होगा, ये भी आपसे पूछा था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये 60 और 30 होता है, तब ये कितना होता है मेरा रूट 3 होता है ना। अगर ये रूट 3 है तो ये कितना होता है 3, है ना, होता है, क्योंकि tan 60 होता है रूट 3 अपॉन 1, और tan अगर ये रूट 3 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में रूट 3, और 1 की वैल्यू रूट 3 है तो रूट 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आपको बेसिक आइडेंटिटी पता होगी कि ये 3 होता है, ये 1 होता है, तो कितना होता है 2, है ना। अब रूट 3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100 है, तो 2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो कितना आ जाएगा 100 बटे में रूट 3 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 200 बटे में रूट 3। अब देख लेना कि ऑप्शन में 200 बटे रूट 3 है या रूट 3 की वैल्यू रखी है, ठीक है, या आगे भी सॉल्व किया है, मतलब रेशनलाइजेशन किया है, क्या किया है, ठीक है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या था, ये बात आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं एक बार छोटा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि मैंने किया क्या, फटाफट से देखो इनको ये चीज नहीं समझ में आई, बाकी मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये 30 है तो ये कितना होता है, ये 1 होता है, ये रूट 3 होता है ना, और ये 60 है, है ना, क्योंकि 90 है, तो 10 का अगर आप देखोगे 10 30, तो 10 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3, और 10 थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया मेरा बेस हो गया, तो 10 30 होता है 1 बटे में रूट 3, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है मेरा रूट 3। लेकिन 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है इसका अपोजिट, मतलब रूट 3 अपॉन 1, है ना। तो अब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो एक बार मुझे परपेंडिकुलर 1 मिला और एक बार मुझे परपेंडिकुलर कितना मिला रूट 3,
तो मैं क्या करूंगा, दोनों को बराबर बनाऊंगा, क्योंकि अलग अलग तो हो नहीं सकते, परपेंडिकुलर है ना। तो ये एक के साथ मैंने रूट थ्री का मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, रूट थ्री का मल्टीप्लाई। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी 30-60 का अपना ट्राइंगल बनता है तो ये रूट थ्री होता है, ठीक है, ये तीन हो जाता है, ये एक होता है, ये कितना होता है मेरा, दो, क्योंकि अब टोटल तीन है, एक है, तो कितना बचा, दो। दो की वैल्यू निकालनी थी, रूट थ्री की वैल्यू थी अपने पास 100 मीटर, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/√3, ठीक है। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है वहां से एक बहुत बेहतरीन सवाल आया है जो मैं डिविजिबिलिटी में पढ़ाता हूं, ठीक है। एक होता है वहां पर 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी डिजिट तीन बार ऐसे रिपीट होता है, मतलब अगर एक तीन डिजिट का नंबर है उसको हम इस तरीके से लिखें, तो ये जो है वो हमेशा आपका 1001 है ना। इसका मतलब 1001 का मतलब क्या होता है, 7, 11 × 13, इससे हमेशा क्या होगा, डिविजिबल। 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा, ठीक है। तो यही सवाल था कि 479 और XYZ इज अ 6-digit number, लिखा था एक 6-digit number है, सच दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, 11 and 13, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y+z/x, तो हमें y+z/x की वैल्यू निकालनी थी। तो आपको पता है कि 479 और ये 7, 11, 13 से तभी डिविजिबल होगा जब यहां पर भी कितना हो, 479 हो। तो ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो आप y+z/x, ठीक है। तो ये थे अपने एडवांस का पार्ट था, ठीक है, इतने क्वेश्चन एडवांस से आए थे। बाकी अब जो अरिथमेटिक के हैं वो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेते हैं टाइम एंड वर्क का सवाल, ठीक है। टाइम एंड वर्क के सवाल, टाइम एंड वर्क का अपने पास कितने सवाल है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क, ठीक है। हर एक चैप्टर सवाल आया है, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, हर एक चैप्टर पढ़ के जाना है, हर एक चैप्टर सवाल आया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अरिथमेटिक पे। सबसे पहला सवाल था टाइम एंड वर्क का कि ए किसी काम के 2/3 भाग को 6 दिन में कर लेता। ए के बारे में कहा गया कि ए 2/3 भाग को 6 दिन में कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, वो 9 दिन में, है ना। तो ए का पता चल गया कि ए किसी काम के दिन में कर लेता है 9 दिन में, ठीक है। बी कंप्लीट 1/3 part in 2 days, बी के बारे में बता दिया कि बी 1/3 काम को कर लेता है कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो एक तय काम 2 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिन में, 6 दिन में। तो बी का पता चल गया कि बी पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में कर लेता है। सी के बारे में पता चला कि सी के बारे में दिया है कि 1/4 part कितने दिन में करता है, 1/4 part करता है 3 दिनों में, तो टोटल काम करेगा वो 12 दिनों में, ठीक है। तो सी के बारे में पता चल गया कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा मेरा, 12 दिनों में। फिर हमसे पूछा गया कि ए और सी मिलकर उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि टोटल वर्क कितना है मेरा, 9, 6 और 12, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 36। तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। अब टोटल काम 36 नहीं करना है, 36 का 2/3 काम करवाना है, है ना। 12 दी 36 मतलब 24 मिनट काम करवाना है, और किससे करवाना है, ए प्लस सी से। तो ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 24 डिवाइड बाय एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस सी की। ए प्लस सी की कितनी है, 24/7, क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, आया समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद था किसी कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और होते तो कार्य समाप्त करने में 10 दिन कम लगते, तो बताइए प्रारंभ में कितने पुरुष थे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आगे आओगे समझ में, है ना, बिठा देता हूँ इसको सवाल को फटाफट से। देखो हमने आधे घंटे में बहुत सारे सवाल कर लिए, लगभग आधा घंटा हो गया होगा। कह रहा है कि कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, मान लिया एक्स मैन थे, काम को कर रहे थे 60 दिन में, तो इतना काम हो गया। यदि 8 पुरुष और होते, मतलब एक्स प्लस 8 मैन और होते, तो हमें काम करने में 10 दिन कम लगते, मतलब 60 दिन में काम था तो कितने दिन में खत्म हो जाता, 50 दिनों में। ये दोनों काम आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स ही हमसे पूछा गया था, 6x = कितना आ जाएगा, 5x + 40, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, 40 आदमी थे, ठीक है। देखो कितने कितने सरल सवाल है, इनको सॉल्व करने के लिए तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता मेरे हिसाब से। फिर इसके बाद पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, जो भी है 2021, ठीक है। कह रहा है कि ए किसी टैंक को 2 घंटे में भर लेगा, वेरी गुड। बी टैंक को 3 घंटे में भर लेगा और सी टैंक को 6 घंटे में भर लेगा। एलसीएम आ गया, 6 लीटर का टैंक हो गया,
ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, ये 2 भरता है, ये 1 भरता है, ठीक है। कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोला गया, बी को कितनी देर पहले बंद कर देना चाहिए यदि टोटल टैंक 1 घंटे 15 मिनट में भरा हो। फिर सुनो, तो तीनों को एक साथ खोला गया था, बी को कितने देर बाद बंद कर देना चाहिए, कितनी देर पहले बंद कर देना चाहिए यदि टोटल टैंक 1 घंटे 15 मिनट में भरा हो। तो आप बताओ, बी को बंद करना है, बी का टाइम बताना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितनी देर पहले बंद करो या कितनी देर तक चलाओ, बात एक ही है ना। तो बी की एफिशिएंसी तो पता है मुझे, सिर्फ ये देखना है कि बी ने काम कितना किया, जितना काम किया होगा उतनी देर तक चलाओगे आप। तो अगर 1 घंटे 15 मिनट तक बी का नहीं पता है मुझे, तो आपको पता है 1 घंटे 15 मिनट ए और सी तो चल ही रहे होंगे पूरे, है ना। देखो हुआ ऐसा है कि तीनों को एक साथ चलाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, 1 घंटे और 15 मिनट में पूरा टैंक भरा। कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोला गया कि बी को कितनी देर बंद कर देना चाहिए यदि टोटल टैंक कितनी देर भरा है, 1 घंटे और 15 मिनट में। अगर बी को बंद कर दोगे तो ए और सी तो चलेगा ना, तो ए और सी तो पूरे 1 घंटे 15 मिनट चलाए। अब 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 15 मिनट को कर लो आवर्स में चेंज, तो 15 मिनट मतलब होता है 1/4, तो 1 सही 1/4 मतलब कितना हो गया, 5/4 घंटे, ठीक है। तो अगर बी बंद किया होगा तो ए और सी तो चल रहे होंगे, जब ए और सी चलेंगे तो 3 + 1 = 4, 4 लीटर पानी भरेगा, तो 5/4 घंटों में कितना, इसका मतलब है कि ए और सी ने कुल कितना काम किया, 5 यूनिट। बाकी काम किसने किया, बाकी काम किसने किया, बाकी काम किया है बी ने। तो बी ने कितना काम किया, एक काम किया, एक काम जितनी देर में किया होगा उतनी देर तक वो चलता रहा होगा या उतनी देर बाद आपने बंद कर दिया होगा। टाइम इज इक्वल टू आ गया वर्क, वर्क एक है डिवाइड बाय एफिशिएंसी। आधे घंटे बाद बंद कर दो, आधा घंटा मतलब कितना, 30 मिनट, 30 मिनट बाद बंद कर दो उसे, अगर टोटल टैंक आपका 1 घंटे 15 मिनट में भरा है, ठीक है। फिर इसके बाद है टाइम एंड वर्क से ही अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। हमने 20 सवाल कर लिए फटाफट से, देख लो इतना सरल पेपर है, यहां पर आपकी मेरिट ज्यादा जानी चाहिए, है ना। और अगर थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 150 नंबर इसमें आ सकते हैं। बाकी मैथ की बात करूं मैं, बाकी आप इंग्लिश भी थोड़ी सी सरल है। फिर कह रहा है कि 4 boys 3 men, 4 लड़के 3 पुरुष किसी काम को कर लेते हैं 5 दिनों में। और फिर कह रहा है कि 3 लड़के, डेटा देख लेना ये डेटा है कि नहीं है, और 8 पुरुष इसी काम करते हैं कितने में, 3 दिन में। तो पूछा जा रहा हमसे कि 2 लड़के और 3 men इस काम कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी के लिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 * 20 b + 15 m = 9 b + 24 m। 24 में से 20 में से 9 के 11 बचेगा, 11 b = 24 में से 15 जाएगा 9 m, है ना। यहां से हम लिख सकते हैं कि b अपॉन n इज इक्वल टू 11/n, यही क्या हो जाएगा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। एक बॉय और एक मैन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 11:9 आ गया। आपको ये दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि 2 boys 3 men मिलकर कितने दिनों में वही काम कर लेंगे, वही काम कौन सा काम, दोनों में से किसी एक कंडीशन को रख दो इसके बराबर। मैंने रख दिया 3b + 8 men * 3, तो जब एक बॉय 11 मिनट काम कर लेता है, एक मैन 9 मिनट काम कर लेता है, तो 2 लड़के कितना काम करेंगे, एक मैन एक